प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि रीडिंग मिस्टेक के कारण, यानी कि थोड़ा सा मैंने समझने में जो यहाँ पर अपने आप में आप करेक्शन कर लीजिए, और ये करेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एक्स वाई जेड फॉर द H3PO3 मॉलिक्यूल। हमने बिल्कुल सही बनाया, इस तरीके से H3PO3 को अगर हम बनाते हैं तो ये बन गया आपका H3। इसमें एक pH बॉन्ड भी होता है H3PO3। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वो x क्या है, x हमारा है XYZ। H3PO3 एसिड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर x नंबर ऑफ द लोन पेयर है, लोन पेयर की बात कर रहा है। तो यहाँ वन लोन पेयर ये हो गया वन, ये दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, चार लोन पेयर, पांच लोन पेयर, एक दो तीन चार लोन पेयर, पांच लोन पेयर, और ये छह लोन पेयर। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर छह हो गई। और y क्या है, यहाँ पर y इज द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो एक दो तीन चार पाँच छ, यानी कि छह सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया। टोटल 12 + 1 मतलब 13 आंसर इसमें आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 को करेक्ट कर लीजिए। ये थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन करने में लोन पेयर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया, तो इसको आप अपडेट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 को अपडेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 को अगर आपने 13 लगाया है तो फिर आपका जवाब बिल्कुल सही है कि लोन पेयर भी यहाँ पर चेक कर लीजिए, लोन पेयर सभी में यही बचे हुए हैं। इसी तरीके से आप जो है वो नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड चेक कर लिए, तो एक दो तीन चार पाँच छह सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जेड और पाई बॉन्ड जो है, जेड इज द पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड है, टोटल 13 यहाँ पर आना चाहिए। 88 वाले को आप लोग अपडेट कर लीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 103 छूट गया था, जल्दी में ध्यान नहीं दिया। तो 101 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। इसमें वुड्स रिएक्शन कौन सी है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं, दिस कॉल्ड इज वुड्स रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमें बी टिक करना पड़ेगा। बी ही हमारा एक ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है 101 वाले में। 102 वाले में आ जाइए, 102 वाला भी छूट गया था हमारा। तो 102 वाला कह रहा है कि इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिस, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू लीस्ट। तो एज वी नो दैट कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ग्रुप। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या ग्रुप से दूर जाते जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर होगा, उससे कम यहाँ, सबसे कम यानी इन दोनों इस बॉन्ड के ऊपर सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इसे वन देते हैं, इसे टू, यहाँ पर थ्री, यानी कि C2 और C3 में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो इस पर हम लोग टिक कर लेते हैं, इस पर हम लोग से टिक कर लेते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला क्वेश्चन भी 103 वाला छूटा था, 103 वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन, तो आपको पता होना चाहिए एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो आप नोट करिए ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर मैं इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करता हूं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। और अगर इथाइल कार्बोकैटायन को देखो आप, इथाइल कार्बोकैटायन को आप चेक करो तो ये हो गया आपका इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन में अगर ये बॉन्ड इधर आप शिफ्ट करते हो तो ये एच पॉजिटिव यहाँ पर चला जाएगा, पॉसिबिलिटी है इसकी, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इथाइल कार्बोकैटायन में, अब आपकी ऑलरेडी कंडीशन वही तैयार हो जाएगी जो ऑलरेडी यहाँ पर थी, यानी कि एच हो गया, सी हो गया, एच हो गया, एच पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच हो गया। तो यानी अब ये डीलोकलाइज इन तीनों पोजिशन पर कर सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ सॉरी CH2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमें दोनों, यानी इथाइल कार्बोकैटायन में भी हमें जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन इसको भी चेक कर लीजिए, क्वेश्चन इसको भी चेक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये छूट गया था क्वेश्चन, इसको भी आप कंटिन्यू कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 में भी छोटा सा करेक्शन हो, प्लीज उसको भी आप कर लें, उसको भी कर लें। रीडिंग मिस्टेक यहाँ पर हमी से हुई, यानी पढ़ने में हमने जल्दीबाजी में से मॉलिकुलर पढ़ा, ठीक है ना। ये नेटवर्क सॉलिड
पूछा था, और नेटवर्क सॉलिड में एग्जाम्पल यहाँ पर SiO2 है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो इसको भी आप अपडेट कर लीजिए। ये बाकी ये आयनिक है और ये आपका मॉलिकुलर सॉलिड है, इसको भी आप अपडेट कर ले। तो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप अपडेट कर लीजिए, आपके मार्क्स में हो सकता है कहीं पर, जैसे अगर आपने यही ऑप्शन लगाए हैं तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ में इनको जो है वो अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 122 को भी अपडेट करिए, अपडेट करिए और डेफिनेटली अपडेट करिए। कारण ये है कि ये क्वेश्चन एक समय सिलेक्शन के बेस पर हम लोग, हमारे एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो एक एक नंबर हमारा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि शायद हमारा सिलेक्शन जो है वहीं पर रुक सकता है। इसीलिए मैंने इस करेक्शन को इसीलिए दिया कि जो है वो आप अपडेट कर लें, इसे अपडेट कर लें, ठीक है, अपडेट कर लें, जिससे कि आपके नंबर में अगर बढ़ोतरी हो रही तो वो हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर एक और मुझे बताया गया कि सर इसको भी आप देख लीजिए, तो 126 122 के बाद 88 हो गया, 126 हो गया, 101 123 हो गया, और 100 क्वेश्चन नंबर आ जाइए उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिकुलर सॉलिड। हाँ, 136 क्वेश्चन ये बताया गया कि मीथेन मॉलिकुलर सॉलिड, यहाँ पर मीथेन है, सिलिका कोवेलेंट हो गया, और यहाँ पर कोवेलेंट हो गया, और यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक हो जाता है, तो यहाँ ए ऑप्शन आप सही कर लीजिए। तो इन क्वेश्चंस पर मुझे खुद डाउट था, डाउट क्या था, रीडिंग मिस्टेक जल्दीबाजी में हुई और उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इन क्वेश्चंस को आप अपडेट करिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और तैयारी के लिए अगर आप बेस्ट प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आइए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिएगा 94 73 27 27 11। ओके, बाय।